हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हो पर आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गीजर में भी, गीजर हमारा जो पानी गर्म करेगा उसमें हमारा लाइट का खर्च कितना आएगा। तो उसके लिए मैंने, ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर एक मीटर लिया है। यहाँ पर उसके बताएगा कि वो कितने मिनट में कितनी यूनिट लेगा। यहाँ पर उसके वाट वगैरह आएंगे, तो यहाँ पर वाट आएंगे। अभी तो मैंने बंद कर रखा है, इसमें वाट जीरो है, एम्पेयर भी जीरो है। जे जहां पर यूनिट चलेंगे, केवीएच लिखा है ना यहाँ पर, वे किलो वाट प्रति आवर में कितने लेगा, जे जीरो जीरो है अभी। और ये वाला मेरे पास एक गीजर है, गीजर की जो कैपेसिटी है 5 लीटर की है, 5 लीटर का ये गीजर है। तो यहाँ पर ये लाइट लगी है, एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जब पूरा पानी गर्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूं, भी कर लिया मैंने इसको। ये देखिए, यहां पर इसका मैंने ये वाली वायर लगाई हुई है और यहां पर मैं इसको कर रहा हूं अभी ऑन। तो देखिए, ये ऑन हो गया। यहां पर देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा है, ये 230 वोल्ट, ये पीछे जो लाइट हमारे घर में आ रही है 230 वोल्ट की, और ये जो किलो वाट, क्योंकि ये कितने वाट ले रहा है इसको अच्छी तरह, ये देखिए, ये इसकी लाइट ग्रीन लाइट ऑन हो गई, ये अब चालू हो गया है। और इसका देखिए 2.03 मतलब के ये 2000 वाट ले रहा है। किलो वाट का, 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। जहां पर ये एम्पेयर ले रहा है 8.82 के करीब करीब ये एम्पेयर ले रहा है, 9.5 उसके ज्यादा ही है, 9 के करीब करीब ये एम्पेयर ले रहा है। और यहां पर इसका जो मीटर चलना शुरू हो गया 0.02 किलो वाट आवर, इससे पता चलेगा ये जो मीटर की हमारी जो बिजली की खपत जहां से चल रही है। तो इसको जहां से मैं टाइम भी ऑन कर देता हूं, ये देखिए, ये मैंने यहां पर इसको टाइम को ऑन कर दिया कि कितने टाइम में ये पूरा पानी गर्म होगा और कितनी ये हमारा बिजली का खर्च लेगा। अभी देखिए यहां पर टाइम भी बढ़ने लगा है, और यहां पर देखिए ये जो है 0.04 होगी, इससे पता चल जाएगा। यहां पर जीरो, जहां पर एक आ जाएगा तो एक यूनिट लेगा, अभी 0.04 यूनिट ले रहा है। यहां पर यूनिट का आप बता देता हूं, इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं, प्रति यूनिट 0.05। अभी मैं थोड़ी देर, अभी देखिए जी हो रहा है, अभी तकरीबन 40 सेकंड हो गए हैं, थोड़ा सर पहले मैंने ऑन कर दिया था, तकरीबन 1 मिनट हो गया है और ये गीजर चल रहा है। जब ये रेड लाइट हो जाएगी ये बंद हो जाएगा, पूरा पानी गर्म हो गया है। तो अभी मैं वीडियो को थोड़ी देर करता हूं पॉज, उसके बाद हम देखेंगे ये इसमें थोड़ी देर, 5 मिनट के बाद मैं, 5 मिनट हाँ तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं अभी वीडियो को ऑन करूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हो गए हैं 2 मिनट और यहाँ पर हो गए हैं 0.11 यूनिट, अभी देखते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं हमें लगे हुए, तो अभी भी ये गीजर चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन लाइट चल रही है, अभी ये गीजर चल रहा है। तो दोस्तों अभी 7 मिनट के हो गए हैं, तो अभी चले हैं 0.29 यूनिट। तो दोस्तों अभी 10 मिनट हो गए हैं और यूनिट चला है हमारा 0.39, और गीजर अभी भी चल रहा है, ये देखिए अभी भी ग्रीन लाइट। तो दोस्तों अभी वीडियो में चलते चलते ही पता नहीं क्या हो गया, पंगा पड़ गया। ये देखिए, ये बड़ा जो जो प्लग है ये जल गया, यहाँ पर देखिए ये जो प्लग है जहाँ से बिल्कुल जल गया। तो अभी इसमें प्लग कोई लग नहीं रहा, तो ये वाला ये जो मल्टी शू था, मल्टी प्लग है, इसकी भी ये देखिए ये टांग एक अंदर चली गई, ये भी इसका भी पोपट हो गया, हमारी वीडियो का बीच में ही पोपट। तो लेकिन आप अभी इससे अंदाजा लगा सकते हैं
10 मिनट में हमारा चला है 0.43 यूनिट। अगर मतलब कि अगर 0.5 हो जाए 0.50 तो आधा यूनिट चलता है। यानी कि अगर आप 2 मिनट और लगा लेना, 2 मिनट और लगा लेंगे तो ये तकरीबन आधा यूनिट चल जाएगा। मतलब कि 12 मिनट में ये आधा यूनिट चलता है। तो इसका मतलब है अगर 12 मिनट में 5 लीटर का गीजर 12 मिनट में आधा यूनिट लेता है। और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग रेट है। किसी का 5 है, किसी का 10 भी है, किसी का 6 है, किसी का 3 है, और अलग अलग स्लैब होती है बिल की। तो आप वहां से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आधा यूनिट, और तकरीबन पानी उसमें गर्म हो चुका था और थोड़ा ही 2 मिनट में वो पानी गर्म हो जाना था। तो मतलब कि 1 यूनिट पूरा नहीं चलता, थोड़ा एंड जो 1 यूनिट से कम ही चलेगा, थोड़ा और 5 मिनट चलता तो तकरीबन ये पानी गर्म हो जाना था 5 लीटर का पानी। तो बस आज तो इतना ही थे, और एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा, इसमें थोड़ा इसको मैं ठीक ठाक वगैरह करवा कर फिर एक वीडियो बनाएगा। वो मैं वीडियो बनाऊंगा 25 लीटर की, 25 लीटर जो गीजर होता है उसकी वीडियो बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से जमा कर। तो आप इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ता जो आप मैं आपसे ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं, और आप मुझे अच्छे से कमेंट करके बताते रहें कि हमारी जो वीडियो कैसी लगी। हमें मेहनत तो की है लेकिन पूरा नहीं हो सकी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।